हेलो पुराना ट्यूटोरियल के मैथ सेक्शन में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चैप्टर अभी भी वही चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर ओके और आज हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आज हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यह हमारा अब ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है अगर हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करना चाहे सपोज एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन सपोज एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला जा रहा है सपोज एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन इसका ही मतलब एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो जो कि फार्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह माइनस बी क्यूब की तरह जिसका फार्मूला बनता है स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेर तो इसी को सॉल्व करते समय वन का क्यूब तो वन ही होता है यानी एक्स माइनस वन देन एक्स स्क्वेर प्लस एक्स एंड प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो ब्रैकेट को अगर मैं इक्वेट करूं तो इसका तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू वन लेकिन ये हो जाएगा अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसका रियल सॉल्यूशन भी आ सकता है या फिर इमेजनरी भी तो इसको कंसीडर करने के लिए a की वैल्यू वन b की भी वैल्यू वन और c की भी वैल्यू वन सो अकॉर्डिंग टू रूट्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टाइस ए तो यह हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र यानी वन का स्क्वायर वन माइनस फोर ए यानी फोर इन सी तो फोर ही होगा अपॉन टू ए यानी टू सो दैट इज इक्वल टू सो दैट इज इक्वल so that is equal to minus one plus minus under root one minus four यानी minus three upon two इसको अगर मैं इधर लिखना चाहूँ तो थोड़ा और एडजस्ट कर रहा हूँ ओके okay. so that is equal to minus one plus minus under root minus one यानी i और ये हो गया under root three so under root three और ये i upon two तो सेकंड रूट होंगे हमारे एक होगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू और एक होगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू या माइनस वन माइनस रूट थ्री अपॉन माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू यानी जबी भी मैं क्यूब रूट निकालना चाहूं तो हमको तीन अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे एक तो रहेगा रियल नंबर जबकि बाकी के दो रूट रहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है ओके तो जब भी हम लोग क्यूब रूट निकालना चाहे या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स होंगे आपके पास एक तो होगा वन उसके बाद होगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू और उसके बाद होगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू जिसको आगे चलकर हम लोग लिख सकते हैं वन इसको हम लोग लिखेंगे ओमेगा कभी कभी जब भी बोला जाता है लेकिन ज्यादातर ओमेगा ओमेगा और इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा स्क्वेयर हम लोग इसको बोलेंगे ओमेगा स्क्वेयर तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम लोग क्यूब रूट ऑफ़ यूनिटी की बात होती है तो यह होगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वेयर ओके इनमें से ज्यादातर ओमेगा हम लोग प्लस वाले को कंसीडर करते हैं और ओमेगा स्क्वायर माइनस वन वैसे ये इंटरचेंज भी हो सकता है जैसे अगर मैं ओमेगा स्क्वेयर लेना चाहूं, तो ओमेगा का एक्चुअल मतलब माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू का होल क्योंकि टू के स्क्र मैं बाहर निकाल चुका हूं नाउ अकॉर्डिंग टू ए माइनस बी का होल सबसे पहले स्कोर ए स्क्वेयर यानी हो जाएगा वन माइनस होने की वजह से माइनस टू टाइम्स ए बी टू इन टू वन इन टू रूट थ्री आई प्लस बी स्क्वेयर तो थ्री का रूट तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री लेकिन आई कस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ ठीक है ना सो दैट इज इक्वल टू वन बाय फोर यह हो जाएगा वन यह हो जाएगा माइनस टू रूट थ्री आई और यह हो जाएगा माइनस थ्री सो वन बाय फोर वन माइनस थ्री यानी माइनस टू माइनस टू रूट थ्री आई दोनों में से कॉमन निकलेगा टू अपॉन फोर और ब्रैकेट में आएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आर ये हो गया टू यानी माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू देखिए तो ओमेगा को मैंने प्लस लिया है तो ओमेगा स्क्वायर अपने आप आ जाएगा माइनस वन माइनस रूट थ्री आए अपॉन टू और ये दोनों एक मेक के कॉन्जुगेट हो गए ठीक है इसका कॉन्जुगेट वो होगा इसका कॉन्जुगेट वो होगा तो कभी कभी आप लोग अगर माइनस भी लेते हो तो भी चलेगा समझने वाली बात यह है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक मेक के कॉन्जुगेट है ओके, okay. जिससे एक बात तो पता चल गई है कि ओमेगा का कॉन्जुगेट होगा ओमेगा स्क्वेयर इन सिमिलर वे ओमेगा स्क्वेयर का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होगा ओमेगा इज इट ओके ठीक है और एक बात ठीक है कि ओमेगा अगर ओमेगा स्क्वेयर इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी देन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन तो so, फिर से वही ओमेगा क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो की तरह बी के फार्मूले के तरह लेकिन ओमेगा खुद कॉम्प्लेक्स रूट है तो ओमेगा इज इक्वल टू वन अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ओमेगा इज इक्वल टू वन जो कि पॉसिबल नहीं होगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा इसलिए हम लोग वो कंडीशन नहीं लेंगे तो एक ही कंडीशन बचती है ओमेगा स्क्वेयर प्लस, प्लस, प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक और रिजल्ट हमारे पास आ गया है ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आप लोग अलग अलग फार्मूले बना सकते हो सबसे पहला फार्मूला तो होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओके। अब एंड ओमेगा, ओमेगा. ओमेगा प्लस वन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर तो एक ही फार्मूले से अलग अलग तीन और रिजल्ट बनते हैं अलग अलग तीन रिजल्ट बनते हैं सिर्फ याद रखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन अगर ये भी याद रहा तो आप लोग अलग अलग रिजल्ट बना ही सकते हो ओके तो बताने वाली बात यह है कि क्यूब रूट ऑफ़ यूनिटी थी तीन हो एक होगा वन सिर्फ एक ही मत लिखिए अलग अलग कॉम्प्लेक्स में आपको तीन रूट मिलेंगे एक होगा वन एक होगा माइनस वन प्लस रूट थ्री आया टू और उसका कॉन्जुग जिसको स्टैंडर्ड नोटेशन में हम वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं कभी कभी आप लोग अगर इसको भी ओमेगा बनाना चाहो तो भी चलेगा लेकिन ज्यादातर हम लोग प्लस वाले को लिखते हैं और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक में क्यों होंगे कौन जुगे? और एक रिजल्ट याद रखिए जो क्यों होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होगा वन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होगा वन तो इतनी बातें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है चलो एक दो सवाल पढ़ते हैं और दिमाग में वो आ जाएगा चलो तो क्वेश्चन है इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी then prove that one upon omega plus one upon omega square one upon omega square is equal to minus one one plus omega plus one upon omega square is equal to minus one जबी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बस दो रिजल्ट याद रखना है सबसे पहले तो omega cube is equal to one और one plus omega plus omega square is equal to होगा

तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा अपॉन इनका मल्टीप्लीकेशन यानी ओमेगा क्यू ओके और अब बीच इन्हें बताया कि इस फार्मूले को याद रखो जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर जो कि होता है माइनस वन यह आप लोग डायरेक्टली माइनस वन लिख सकते हो और ओमेगा क्यू जो कि होगा वन तो डायरेक्टली आंसर हो गया माइनस वन वन अपॉन ओमेगा एंड वन अपॉन ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन चलो सेकंड क्वेश्चन है वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्रूव दैट वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर का क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर का क्यूब होगा माइनस वन इज इट ओके चलो ना वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर का क्यूब होगा माइनस वन चलो चेक करो अभी यहां पर वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर है तो इसी फार्मूले से आप लोग चेक कर सकते हो वन प्लस ओमेगा होगा इसको इधर भेजिए क्योंकि इसी फार्मूले से तीन अलग अलग रिलेशन बनते हैं वही फार्मूला याद रखिए अपने आप कनेक्टेड होना चालू होगा तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर जो कि होगा लिख लेता हूं वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर का क्यूब एंड वी नो दैट वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर जो कि होगा माइनस ओमेगा का होल क्यूब सो इट इज नथिंग बट माइनस का क्यूब माइनस ही होता है और ये होगा ओमेगा का क्यूब एंड वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन यानी आंसर डायरेक्टली आ जाएगा माइनस वन आंसर सिंपल आ जाएगा माइनस वन चलो और एक क्वेश्चन है अरे बहुत सिंपल है बस ये याद रखो अपने आप सॉल्व होना चालू होगा और एक क्वेश्चन है वन माइनस शो दैट वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर का क्यूब इज इक्वल टू माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट हमको वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस एट चलो लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर का होल क्यूब चलो वन माइनस ओमेगा नहीं है लेकिन वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर का रिजल्ट है वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर होगा माइनस ओमेगा और ये भी हो जाएगा माइनस ओमेगा का होल क्यूब सो इट इज नथिंग बट माइनस टू ओमेगा होल क्यूब माइनस टू का क्यूब हो जाएगा माइनस एट और ओमेगा का क्यूब सो so ओमेगा क्यूब एंड वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू वन यानी आंसर आ जाएगा माइनस एट इन टू वन यानी माइनस एट ही माइनस एट ही ठीक okay. है तो आज का प्रॉब्लम आज का लेक्चर में थोड़ा शॉर्ट बना रहा हूं इतने में ही समझ आए तो समझने वाली बात बस ये है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है वन और वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर वन ओमेगा एंड ओमेगा 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 एंड अगले लेक्चर में आई थिंक इसके आगे की थोड़ी सी बात करेंगे लेकिन बहुत यही आपको आइडेंटिटीज दे रहेंगे और उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव में कुछ सवाल पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से हार्डली दो या तीन लेक्चर में अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे देख लीजिए ओमेगा के वक्त नॉर्मली हम लोग प्लस वाला लेते हैं यानी माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू और उसका कॉन्जुगेट यानी वो हो जाएगा माइनस वन चलो आज थोड़ा सा छोटा लेक्चर लेंगे आज का इतना ही चलो फिर से वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके चलो थैंक यू वेरी मच